वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लिम्स ऑफ पॉडकास्ट वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ एक ईद लुक शेयर करने वाली हूँ। एंड आजकल जैसे थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है पासा लुक चैलेंज, तो मैं वही चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ये लुक क्रिएट करूँगी। एंड एज यू नो कि ईद का टाइम नियर है एंड रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं, सो मैं सोचा कि मैं एक ईद लुक क्रिएट करती हूँ। सो नो फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑलरेडी अपना फेस मॉइस्चराइज कर रखा है। मैं डायरेक्टली ये गुड वाइब्स का रोज सिप सीरम लगाऊंगी एंड बहुत ही अच्छा सीरम है। मोस्टली यूट्यूबर्स इसे यूज़ करते हैं एंड इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। एंड मैं इसको फटाफट से ब्लेंड कर लूँगी फेस पे। आप देख सकते हैं कितना शाइन आ जाता है। आप जब मेकअप करते तो वो ऑलरेडी फेस ग्लो करता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे NYB का प्राइमर है, मैं उसको अप्लाई करूँगी। एंड जस्ट लिटिल बिट आप अपने हायर पॉइंट्स पर उसको अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हल्की हैंड से उसको रब कर लीजिए, जस्ट लाइक दैट। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैं इट्स अ कलर करेक्टर काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, ये मेरे पास किट थी तो मैंने इसमें से ये ऑरेंज हल्का सा ये ऑरेंज शेड है उसको मैंने अंडर आई के लिए अप्लाई करा है, डार्क सर्कल्स के लिए। इससे काफ़ी अच्छी तरीके से हाइड हो जाते हैं, मैंने 2-3 बार नोटिस किए चीज़, तो मैंने इसी को अप्लाई किया। नेक्स्ट यहाँ पे NYB का ही मेरे पास कंसीलर है तो मैं इसी को अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये ख़त्म होने वाला है, लॉकडाउन खुले तो मैं ये मंगाऊँ, बिल अभी भी रेड शायद, बट यू नो कि बहुत रिस्क है इस टाइम पे कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी एंड ब्लेंड कर दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से टैप कर कर, और इट्स डन। नेक्स्ट मैं हाइलाइटिंग के लिए भी इसी को यूज़ कर रही हूँ, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है बट जस्ट कर रही हूँ थोड़ा बहुत। इस टाइप से आप कर लें एंड आप डायरेक्टली कंटूर करना चाहते कर सकते हैं, बट मैंने ज़्यादा करा नहीं है, मैंने जस्ट हाइलाइटिंग के लिए इसको अप्लाई करा हल्का सा। और नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास मैबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है, ये बहुत ही ऑसम फाउंडेशन है। आप किसी भी फंक्शन या किसी अच्छे मौके पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो परफेक्ट है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको ना यू नो थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करिए। जैसे मैंने पूरे फेस पे कर लिया तो मैंने जब इसको ब्लेंड करा तो ये थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा था, तो या तो आप इसके अंदर सीरम ऐड कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इसको थोड़ा थोड़ा कर अप्लाई कर सकते हैं, वन साइड पे एक बार और वन साइड पे एक बार ऐसे करके। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू हेवन का सफायर, मेरे पास लूज पाउडर था, ये बहुत वाइटिश वाला नहीं है तो इसलिए शायद आपको नहीं इतना शो कर रहा होगा, बट ये थोड़ा येलो टोन पे है तो मैंने इसको अप्लाई करा है, जस्ट अंडर आई के लिए ही अप्लाई करा है, मैंने पूरे फेस पे नहीं किया क्योंकि ड्राई स्किन है तो कॉम्पैक्ट थोड़ा सा यू नो कॉम्पैक्ट हो या इस टाइप के पाउडर हो वो और फेस को ड्राई कर देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ एंड मैंने फिल कर ली हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आई शेडो अप्लाई करेंगे, तो आप इस टाइप से कुछ शेड लेकर के ट्रांजिशन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा यू नो आई मेकअप नहीं किया है, थोड़ा डे लुक में अच्छा लगे इस हिसाब से मैंने इसको करा है, सो उसको मैंने दोनों आईज पे ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट ये इस टाइप से पीची काइंड ऑफ कलर है जो मैंने उसके साथ ब्लेंड करा है, मिक्स करा है, और ये बहुत ही प्रिटी कलर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, और इसको मैंने एज अ बेस सेट करा है अपनी आईज़ पे दोनों। उसको आप अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए, जितना आपको अगर हाई करना है कम करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का आई शेडो लिया है और इसको जस्ट मैं इस टाइप के फ्लैट ब्रश से अपने आईलेट्स पे अप्लाई करूँगी। देख सकते कितना प्रिटी कलर लग रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम उसको फिर हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे ट्रांजिशन के साथ, जिससे कि थोड़ा वो यू नो मैसी लुक ना लगे और अच्छा सा लुक आए। तो आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है। नेक्स्ट मैं उसको जो एक्सेस पाउडर था उसको हटा लूँगी, रिमूव कर दूँगी ब्रश की हेल्प से। एंड आई डोंट हैव ए ब्राउन्जर, सो मैंने जो आई शेडो पैलेट है उसमें से इस टाइप का ब्राउन कलर लिया है एंड एज अ ब्राउन्जर अप्लाई करा है। एंड आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, बहुत अच्छा ब्राउन्जर की लुक दे रहा है। और मैंने एक अपना एक वीडियो शेयर किया था
आई शेडो पैलेट हैक्स, तो आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। मैंने काफ़ी हैक्स आपको शेयर करे थे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो का। नेक्स्ट, मैं ब्लश भी कोई और यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो मैंने ट्रांजिशन के लिए शेड लिया था आई शेडो के लिए उसी को मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी। एंड आप देख सकते हैं कि कितना प्रिटी लग रहा है, बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है, बहुत ऑसम लग रहा था ये अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट, यहाँ नोज़ पे मैं ब्रॉन्जर कंटोरिंग काइंड ऑफ आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप से ब्रश, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं इस टाइप को, अदरवाइज आप कर सकते हैं। एंड ब्रश की हेल्प से ही आप उसको हल्का हल्का ब्लेंड कर लीजिए, वो ज़्यादा ऐसे ब्राउन ब्राउन दिखना नहीं चाहिए, वरना बहुत गंदा लगता है। एंड मैंने हाईलाइटिंग के लिए भी इसमें से ही एक शिमरी काइंड ऑफ कल शेड था, पिंकिश था, रोज़ पिंक काइंड ऑफ, तो मैंने उसी को अप्लाई किया है चीक बोन पर। आई डोंट थिंक सो कि इतना पता चल रहा है, बट या नोज़ ब्रिज पे काफ़ी अच्छे तरीके से शो कर रहा था ये लिपस्टिक। आपको ये शेड नहीं पता चल रहा होगा बट मैं मेंशन कर दूँगी। एंड मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, एंड इट्स अ पिंकिश काइंड ऑफ, रेड पिंकिश काइंड ऑफ लिपस्टिक, और बहुत प्रिटी है ये। बेला वोस्टा की मैंने लिपस्टिक मंगाई थी जो पर्पल से, ये वो वाली लिपस्टिक है। एंड मैं आई पे तो अप्लाई करना भूल ही गई मस्कारा एंड लाइनर, तो मैंने ये अभी अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा एंड आई लाइनर भी। मैंने बहुत ही सिंपल सा विंग लाइनर ड्रॉ करा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा है। एंड मैंने आई लैशेज भी अप्लाई नहीं करी है, बिकॉज मैंने लुक को थोड़ा डिसेंट और नेचुरल रखने की कोशिश करी है। तो एंड जो हाईलाइटर मैंने अप्लाई किया था, सॉरी, जो ट्रांजिशन शीट था मैंने उसको अंडर आई के लिए अप्लाई करा है, इतना फील नहीं हो रहा बट या मैंने हल्का सा अप्लाई किया था। आप चाहे तो आप वाइट या गोल्डन काजल भी अप्लाई कर सकते हैं अपने एज अ काजल, ब्लैक काजल की जगह, वो ज़्यादा प्रिटी लगेगा। एंड जो हाइलाइटर मैंने यूज़ किया था, उस हाइलाइटर को मैं इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर रही हूँ इस टाइप से। फिर इज़ माई फाइनल लुक, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लुक अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। एंड आई होप कि आप आगे कंटिन्यू वीडियोज़ को देखिए एंड प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, और ये लुक कैसे अचीव किया ये पूरी वीडियो में पता चलेगा। सो एंड वन मोर थिंग कि मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल था वो उस पर कुछ इशू हो गया है, आई डोंट नो क्या हो गया है, सो वो जो अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया है, समथिंग कुछ इशू है। तो मैं या तो न्यू अकाउंट बनाऊंगी या जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट दे दूंगी। तो अभी के लिए कोई भी मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट कुछ नहीं है, सो मैं आगे आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगी अगर जैसे ही मैं कोई न्यू अकाउंट बनाऊँगी। सो आई होप आपको लुक अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एडवांस हैप्पी ईद।